ठंडाई की सीज़न आ गई है और उस सीज़न में आप कोई ना कोई ड्राई फ्रूट्स का या फिर बादाम का चिक्की बाज़ार से ख़रीद के खाते हैं, जिसमें कि एडेड शुगर रहता है जो कि बिल्कुल ही हेल्दी नहीं होता। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही हेल्दी, जिसमें कोई आर्टिफिशियल शुगर हमने ऐड नहीं किया है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही हेल्दी ड्राई नट्स बर्फ़ी। चलिए शुरू करते हैं आज की ये हेल्दी रेसिपी को। एक पैन में 2 कप सबसे पहले ओट्स डाल दें। मैं यहाँ पे इंस्टेंट ओट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद इंडक्शन को ऑन करके यहाँ पे हम ओट्स को 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम में भून लेंगे। लगातार आपको यहाँ पे ओट्स को चलाते रहना है। जब ओट्स हमारा 2 से 3 मिनट के लिए भून जाएगा, हम यहाँ पर ओट्स को एक बर्तन में निकाल देंगे। अब उसी पैन में 1/2 कप काजू डाल दे, 1/2 कप यहाँ पे बादाम डाल दे, 1/4 कप अखरोट डाल दे और यहाँ पे 1/4 कप पम्पकिन सीड्स डाल दे। सारे नट्स और सीड्स को हम यहाँ पे लो फ्लेम में चलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे। ध्यान रहे, इस प्रोसेस में आपको गैस या इंडक्शन के फ्लेम को लो पे रखना है। 4 से 5 मिनट बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे सीड्स और नट्स का कलर जो है चेंज हो गया है। अब हम उसको उसी बर्तन में निकाल देंगे। अब एक मिक्सी जार ले लेंगे, उसमें 1/2 कप खजूर डाल देंगे। खजूर के बीज को मैं यहाँ पे निकाल दिया। थोड़ा सा यहाँ पे पानी डाल दे। जार का ढक्कन लगा के हम यहाँ पे खजूर का एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा खजूर का पेस्ट बन के तैयार है। अब हम इंडक्शन में एक पैन गरम कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे खजूर के पेस्ट को उसी पैन में डाल देंगे। साथ ही में 1/2 कप उसमें पीनट बटर डाल दे। दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे मिला देंगे। मिलाते हुए खजूर के पेस्ट और पीनट बटर को 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम में भुनेंगे। 4 मिनट यहाँ पे हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मिक्सचर जो है वो पैन से अलग होने लगी है, मतलब हमारा मिक्सचर जो है तैयार है। मिक्सर को हम यहाँ पे उसी बर्तन में निकाल देंगे। 15 से 20 मिनट के लिए हम यहाँ पे मिक्सर को ठंडा कर लेंगे। उसके बाद उसमें 1/4 कप हनी डाल देंगे। हनी डालने के बाद हम यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। सारे चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पे एक बर्तन में हम सारे मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर लेंगे। फॉर सेफर साइड मैंने यहाँ पे बर्तन में एक बटर पेपर को प्लेस कर दिया है। मिक्सचर को बर्तन में ट्रांसफ़र करने के बाद एक स्पैचुला की मदद से उसको सही तरीके से लेवल कर दे। अब हम मिक्सचर को 2 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे ताकि मिक्सचर जो है वो सेट हो जाए। 2 घंटे बाद हम यहाँ पे मिक्सचर को फ्रिज से निकाल चुके हैं। अब हम उसको डीमोल्ड कर लेंगे उसी बर्तन से। अब आप इसको किसी भी शेप में काट ले। तो तैयार है हमारा ड्राई नट बर्फी। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। सर्व करने के लिए आप यहाँ पे सारे ड्राई नट बर्फी को एक सर्विंग प्लेट में निकाल ले। तो आप इस हेल्दी बर्फी को आप अपने डाइट में ज़रूर ले। बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही हेल्दी बनता है ये। अगर आप मेरी रेसिपी ट्राई करते हैं तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसा लगा। तो आप अपने घर में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।